आ गया हूँ मैं टीवी मैन पूरे शहर को बर्बाद करने के लिए और ये है मेरा टीवी अटैक दर्दीमान। मुझे कुछ नहीं हो सकता, इम्यूनिटी वुमन सामने आओ। अब टीवी मैन को हराने के लिए मैं सुपर पीस को बुलाऊंगा। दर्दीमान तुम्हें गोलियां 9 महीने तक खानी होगी। नहीं डॉक्टर, टीबी मैन की मृत्यु हो चुकी है, अब ये दवाई मेरे किसी काम की नहीं है। मेरे दुश्मन समझ रहे थे कि मैं कभी ना लौट के आऊंगा, लेकिन मैं बन गया हुआ महाशक्ति। अब मैं दर्दीमान का विनाश करूंगा। इम्यूनिटी वुमन, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे जाते हुए देखा था। अगर तुम पूरे 9 महीने दवा लेते तो मैं चला जाता, लेकिन अब मैं और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। इम्यूनिटी वुमन, एंटीबायोटिक अटैक करो, डॉक्टर सहारा दीजिए। दर्दीमान, मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारी हार अब निश्चित है। टीबी मैन को हराने के लिए मुझे दवाई लेनी ही पड़ेगी। डॉक्टर, जैसा आपने कहा था, मैं 9 महीने दवाई लूंगा। उतना ही नहीं, किसी दर्दी को बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए, खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए, खांसी हो तब रुमाल रखना चाहिए। मास्क मैन, सबको मास्क दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये टीबी मैन मेरे जरिए औरों में फैल जाएगा। ये तो सिर्फ एक गेम था, लेकिन आपका जीवन कोई खेल नहीं है। टीबी को आपके जीवन के साथ खिलवाड़ ना करने दें। अगर आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहती है, अगर आपको रात को बुखार आता है, अगर काम करते वक्त थकान महसूस होती है और आपका वजन कम होने लगा है, तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। कोई भी नज़दीकी आरोग्य केंद्र जाकर टीबी के लिए आप बलगम की जाँच करवा सकते हैं। टीबी का पूरा कोर्स 6 से 8 महीने का होता है, इस दौरान आपको दवाई लेनी होती है। अगर आप दवाई लेना छोड़ देते हैं तो आपको और भी गंभीर रूप से टीबी हो सकता है, तो कृपया करके 6 से 8 महीने का कोर्स पूरा करें। आइए साथ मिलकर टीबी को देश से भगाते हैं। टीबी हटाओ, देश बचाओ।